युवाओं ने अपने रक्तदान से दो महिलाओं की बचाई जान। युवा पंकज गोस्वामी और सुधीर रावत ने रक्तदान से दो युवतियों की बचाई जान। आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी दी कि जिला अस्पताल में फिशर की समस्या से जूझ रही महिला को रक्त की कमी होने के कारण ब्लड की आवश्यकता थी। वहीं दूसरी वृद्ध माता जी का हीमोग्लोबिन कम होने के कारण ब्लड की आवश्यकता थी। इनकी मदद के लिए प्रॉपर्टी डीलर पंकज गोस्वामी और कस्तूरी कलेक्शन के संचालक सुधीर रावत ने आगे आकर रक्तदान किया। पंकज गोस्वामी का ये 10वां रक्तदान था। उनका कहना है, रक्तदान से काफी लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही मैं युवाओं से अपील करता हूं, जो रक्तदान के क्षेत्र में संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका सहयोग करें। वहीं व्यवसायी सुधीर रावत नियमित रूप से युवा अवस्था से रक्तदान करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि रक्तदान की परिभाषा यही है कि जिसे हम जानते भी नहीं है उसके लिए अपने शरीर का लहू दे देते हैं। मानवता के नाते यही सच्ची इबादत है। आपाजी ब्लड ग्रुप दोनों युवाओं पंकज गोस्वामी और सुधीर रावत की मानवतापूर्ण सोच की सराहना करता है। आज के रक्तदान में करनी सेना के जिला अध्यक्ष गांधी राजा, मीडिया प्रभारी बलवीर सिंह और आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान और ग्रुप के सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। जी भैया, क्या नाम है आपका? पंकज गोस्वामी। गोस्वामी जी, जो आज आप ये रक्तदान कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये कोई महिला है, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ जी। हमारे बड़े भाई है रफत बाबू बोलते जिनको हम, वो एक ग्रुप चलाते हैं आपाजी रसोई के नाम से जी। उसने बताया किसी महिला को जरूरत है ब्लड की, इसलिए ब्लड डोनेट करने। आप पहले भी रक्तदान कर चुके? पहले कर चुका हूँ, मैं रक्तवीर सेवा दल से भी जुड़ा हूँ, पहले भी एक दो बार कर चुका हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं रक्तदान को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज़ है और इससे काफ़ी लोगों की हम जान बचा सकते हैं। और आप लोग जैसे काम कर रहे हैं, मैं रफत पाऊँ वगैरह में जैन, ऐसे इस टाइप के लोग सामने आए और लोगों की व्यवस्था कराएं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।